तो हमने अक्सर देखा है एक उम्र हो जाती है, उस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन वही हम आज बात करने जा रहे हैं ज़ुबैदा याकूब खंडवानी जी से, जो कि सुहेल खंडवानी आप जानते होंगे ट्रस्टी है ये हाजी अली और माहिम दरगाह के, उनकी ये मम्मी है। इन्होंने ये पीएचडी कर रही हैं, सूफी अज़म जो पार्ट है एक स्टडी होती है उसमें पीएचडी कर रही हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ ज़ुबैदा जी, कैसा आपने ये जर्नी किया है सूफी अज़म पढ़ने के लिए? जर्नी ये थी कि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था कि मैं पढ़ती रहूँ, तो जब मैंने एमए कर लिया इस्लामिक स्टडीज से तो मेरे को इंटरेस्ट हुआ कि सूफीज़म पे मैं करूँ, क्योंकि वहाँ एक चैप्टर था तो हमने उसमें स्टडी किए थे। और दूसरा हम ये सब खान दरगाहों को ने मानते बहुत है, तो ख्वाजा साहब से ख्वाजा गर नवाज से तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इनकी लाइफ स्टाइल पढ़े और उस पर मालूम करे और जो सूफीज़म के बारे में जाने कि क्या है एक्चुअली। जब आप ये पढ़ाई जब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आप ये सूफीज़म, तो इसमें आप दरगाहों जैसे गरीब नवाज की जो दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोनिदुन चिश्ती या निज़ामुद्दीन औलिया, ये दरगाह है, तो वहाँ पर आप गए विज़िट करें वहाँ पर पढ़ने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए? वहाँ विज़िट करे हैं, वहाँ गए हैं ऐसे, मगर पढ़ने तो वहाँ नहीं गए, उनकी टीचिंग्स जो बुक्स है वो खरीदते थे और उनकी टीचिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ऐसा उनको रिस्पेक्ट पे करने जाते थे, पर इनकी बुक्स वगैरह है, इनकी लाइफ स्टाइल, इनके स्वान है, इनके जो सब थे वो पढ़ते थे। जब आपने ये प्लान किया कि मैं पढ़ती हूँ या पीएचडी करती हूँ सूफीज़म में, तो किस किस जो जर्नी आपकी जब स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वगैरह आई होंगी आपको, तो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हर्डल्स वगैरह कुछ आया था? हाँ, हर्डल्स तो आए बहुत, मैं स्टार्ट करी थी, पहले तो सब स्मूथ गया, थोड़ा बहुत नियरली 3/1/4 हुआ पोर्शन, तो फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो इतने में हमारे सर जो थे गोरेकर सर, वो बेचारे उनका इंतकाल हो गया, थोड़ा टाइम और गया दो, तो गाइड ढूंढती थी तो मिल नहीं रहे थे, फिर भी मैं कंटिन्यू तो करी कि कभी अचानक होएगा तो करने को होएगा, तो नहीं हुआ। उसमें मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, सो हर्डल्स हो गया, फिर मैं भी गिर गई, तो मेरा आम अखा राइट फ्रैक्चर हो गया था, उसमें सब रुकावट बहुत आ गई, पर अभी थोड़ा तबीयत ठीक है, सब कुछ है, तो मैं सोचो बच्चे लोग ने भी, फैमिली ने भी, सब ने बोले कि क्यों नहीं तुम पूरा कर लेते हो, डैडी का भी इतना दिल था कि तुम करो, तो फिर मैं वापस परस्यू कर रही हूँ अभी। इसमें अगर मैं पूछना चाहूँ या जानना चाहूँ, इस पढ़ाई में आपने अब तक क्या ऐसा कुछ सीखा है या पढ़ा है या अब हमें बता पाए या शेयर करना चाहिए? हाँ, सूफीज़म में बहुत फर्क वो करा कि इस पर सिंपल रहना चाहिए, अपने आप को ख़त्म कर देने का, यानी फिजिकली नहीं, मतलब ये तुम्हारा ईगो को ख़त्म कर देने का और हम्बल रहने का, और दुनिया में रह के भी है तो अल्लाह की इबादत बराबर से कर सकते, दीन और दुनिया को दोनों साथ में लेके चलो, ये चीज़ आपने। और आखिरी सवाल मेरा ये है ज़ुबैदा जी आपसे, कि सुहेल खंडवानी जो कि बिजनेसमैन भी हैं और हाजी अली माहिम दरगाह के ट्रस्टी भी हैं, तो क्या आप अपने बेटे को भी ये पार्ट आगे सुहेल भाई पढ़ेंगे आगे? अभी तो इतने बिजी है और बिजनेसमैन है और सब इतना काम इनका रहता है, तो डाउट है पढ़ने, ये ग्रेजुएट तो हो गए हैं पर पढ़ सकते कि नहीं ये मैं नहीं बता सकते, कभी इनको शौक आ गया तो बोल नहीं सकते, मगर हाँ हम मतलब आप इंसिस्ट करेंगे पढ़ने के लिए आगे? हाँ, हम लोग इतना है कि हम लोग जब बैठते एक दिन एक मील तो साथ में लेते कैसा भी करके, या डिनर या कोई भी ब्रेकफास्ट, कुछ भी एक साथ में रहता ही है, तो जब भी कोई डिस्कशन ऐसा हो जाता है तो हम लोग हमारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं आपस में, वो खुद के करते हैं, मैं अपनी पढ़ाई पे या सूफीज़म पे ऐसा डिस्कस करते कि कैसा करना चाहिए, तो ऐसा थोड़ा उनको मालूम पड़ता है सब। तो ये थी हमारे साथ ज़ुबैदा याकूब खंडवानी जी, इन्होंने ये पीएचडी कर रही हैं सूफीज़म में, इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। आमिर खान, माहिम।